तो आज मैं आ गया रियल कैनेडियन सुपर स्टोर में। ये है पार्ट लोबलॉस की चेन का। मुझे मिला करेला, मुझे अभी तक जो है ना भाई कहीं भी वॉलमार्ट और नो फ्रिल में करेला नहीं मिला और यहाँ पे करेला मिल रहा है। तो ये सारे जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, मतलब स्ट्रेट फ्रॉम द फार्म्स है। और अगर तुम बड़ा वाला मोटर मेले लेना चाहते हो जो पाकिस्तान वाला है या इंडिया वाला, वो $10 का तुम्हें मिलेगा ये वाला। हाँ जी, बहुत ही महंगा है। इसी तरह भाई मैंगो की बात करो, ये थोड़ा थोड़ा जो है ना मुझे इंडिया पाकिस्तान वाली वाइब आ रही है, लेकिन भाई इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, ये है मेक्सिको का। भाई MDH के मसाले भी, MDH के अंकल भी मिल जाएंगे भाई तुम्हें 329 पर पैकेट है। वॉच आउट फॉर दिस येलो टैग, ठीक है ना। येलो टैग जो है तुम्हें सेल का आइटम होगा। हेलो एवरीवन, उम्मीद है भाई तुम लोग खैरियत से हो गए। तो आज मैं आ गया रियल कैनेडियन सुपर स्टोर में। ये है पार्ट लोबलॉस की चेन का। तो लोबलॉस एक पूरा चेन है, चेन स्टोर है, फ्रेंचाइज स्टोर है कनाडा के अंदर। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट टाइम नो फ्रिल दिखाया था, नो फ्रिल भी इन्हीं का पार्ट है, ठीक है ना। तो आज मैं देखने आया हूँ कि भाई यहाँ पे जो ग्रॉसरी की प्राइसेस हैं वो सिमिलर है नो फ्रिल्स और वॉलमार्ट और कॉस्को के, या थोड़ी ज़्यादा है कम है, ठीक है ना, वो देखते हैं। और ये वन ऑफ दी अदर ऑप्शन भी तो मैं एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ कि भाई कनाडा अगर में हो तो अगर तुम्हारे पास नो फ्रिल नहीं है तो शायद रियल कैनेडियन सुपर स्टोर होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से ये लोग ऑपरेट करते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ये लोग सिमिलर चेन का पार्ट है, ठीक है। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम हम आगे चलते हैं और तुम्हें ग्रॉसरी की तरफ लेके चलते हैं, प्राइजेस भी दिखाते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कितना बड़ा सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे साथ चलना, 1 2 3 लेट्स गो। दोस्तों मैं बताता चलूँ कि ना इनका बहुत ही बड़ा जो है ना वो रेफ्रिजरेशन सेक्शन है और यहाँ पे काफ़ी मज़े मज़े की फ्रेश वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। स्टार्टिंग विद द प्राइसेस ऑफ द वेजिटेबल्स, अगर तुम बात करो तो स्पेनिश की एक गड्डी जो है वो 199 की है, यहाँ पे प्राइस लगे हैं। याद रखना कि येलो जो है वो स्पेशल प्राइस होगी, मतलब सेल प्राइस होगी, और 199 की काफ़ी अच्छी प्राइस है एज फार एज स्पेनिश इज कंसर्न। सिमिलरली कैरेट्स जो है वो 299 का एक बंच है, ये इस तरह का बंच दे रहे हैं। और साथ में तुम्हें अगर तुम काम करते स्टूडेंट वा रहा हो और वर्कर हो तो तुम इस तरह की टीवी भी लेके जा सकते हो जो कि है 199 की। फिर ये एरिया है तुम्हारा हरा धनिया और पौदीने की। तो पौदीना का जो एक गड्डी, आई होप कि मैं इसका नाम जो है वो सही बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ पौदीना और जो है ना हरा धनिया में। तो पौदीने की जो एक गड्डी है वो है 149 की, और तुम इसी तरह जो हरा धनिया है वो तुम्हें मिल जाएगा तकरीबन 199 का एक गड्डी। यहाँ पे बड़े मज़े मज़े की शिमला मिर्च लगी है जो कि है 350 की पर पाउंड। बात करो हरी मिर्चों की तो हरी मिर्चें भी काफ़ी अच्छी अच्छी लगी हुई हैं। देखो एक पूरा ये पैक है, तकरीबन जो है $4 का पैक मिल जाएगा तुम्हें हरी मिर्चों का। और अगर तुम पतली वाली लेना चाहते हो जो इंडिया पाकिस्तान में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो भी है, इसका भी प्राइस जो है वो $4 ही है और तकरीबन ये 75 ग्राम्स का है। देखो दोस्तों मुझे क्या मिला, मुझे मिला करेला। मुझे अभी तक जो है ना भाई कहीं भी वॉलमार्ट और नो फ्रिल में करेला नहीं मिला और यहाँ पे करेला मिल रहा है। एक पैकेट जो है ना इसका वो तकरीबन $4.62 का है। तो भाई अगर तुम करेला वगैरह खाते हो, करेले की सब्ज़ी, तो तुम लेके जा सकते हो। आई होप कि ये करेला ही है, अगर मुझे ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पे भाई तुम्हें भुट्टा भी मिल जाएगा, भुट्टे वाला आता था ना, तो भाई अब यहाँ भुट्टे वाला तो आता नहीं, लेकिन ये भुट्टे का तुम पैक लेके जा सकते हो $5 का, लेके जाओ और साथ में कोयले के साथ जो है इसको धुनी दे दो सही पे। यहाँ पे तुम्हें इस तरह ना ये मटर के वो दाने भी मिल जाएंगे, ये नॉर्मली जो है वो मैंने वॉलमार्ट और नो फ्रिल्स में नहीं देखे, फ्रेशको में नहीं देखे, यहाँ पे हैं तुम्हें मिल जाएंगे। 399 का एक पैकेट मिल जाएगा तुम्हें। दोस्तों यहाँ लगी तुम्हें हरी प्याज, हरी प्याज का एक गड्डी जो है एक बंच जो है वो तकरीबन 179 का मिल जाएगा, ये भी काफ़ी नॉर्मल प्राइस में लोग दे रहे हैं। मैं जा रहा हूँ आयल सेक्शन में, तो आयल सेक्शन में जाने से पहले प्रोटिप देते चलूँ कि भाई इसके बाहर जो है ना लो प्राइस की जो आइटम्स लगे होते हैं तो पहले तुम यहाँ शॉपिंग कर लो, ये वो आइटम्स होंगे जो कि सेल में है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये क्यूकम्बर है 249 का, तो इंग्लिश क्यूकम्बर तुम्हें दिख रहा होगा कि 249 का एक मिल जाएगा तुम्हें। सिमिलरली अगर एक पैक लेना चाहते हो छोटे क्यूकम्बर्स का तो तकरीबन वो मिल जाएगा तुम्हें 399 का। और बैगन मिल रही, बैगन दोस्तों है 249 का, ठीक है ना, पर पाउंड। और जुकीनी है जो कि काइंड ऑफ जो है सिमिलर जो तुरई है वो 249 पर पाउंड है। फिर सिमिलरली और डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्यूकम्बर्स यहाँ लगे हुए हैं, मेरे ख्याल इनको शायद कवर करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है तुम्हारी जो स्पेशल चीज़ है वो है टोमाटो। अगेन तुम देख रहे होगे कि टोमाटो बिल्कुल है उन्होंने साइड में लगाए हुए हैं आगे के ना, तो अगेन ये होंगे लो प्राइस में 349 पर पाउंड। तो इस तरह के तुम टोमाटोज़ लेके जा सकते हो। जहाँ तक बात करें रोमा के टोमाटोज़ की, तो जो कि इंडिया पाकिस्तान के करीब वाले टोमाटोज़ होते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान जैसे टोमाटोज़ होते हैं, वो 299 पर पाउंड तुम्हें मिल जाएंगे, ये वाले टोमाटोज़ 299 पर पाउंड। फिर इसी तरह अगर तुम टमाटो के छोटे छोटे बच्चे लेना चाहते हो तो भाई इस तरह का पैक भी मिल जाता है, तकरीबन $4 to $5 का एक पैक तुम्हें मिल जाएगा। नॉर्मली हम इंडिया पाकिस्तान वाले यूज़ नहीं करते तो मैं इसको इतना कवर नहीं करता। हम बात करते हैं खुली सब्जियों की, फॉर एग्जांपल जैसे आलू प्याज जो खुले में मिलते हैं वो यहाँ पे तुम्हें लगे हुए हैं, इवन शकरकंदी भी है। तो बात करो अगर शकरकंदी की तो तकरीबन 449 पर पाउंड तुम्हें शकरकंदी मिल जाएगी। फिर जो खुले के टमाटो हैं ये थोड़े सस्ते हैं दोस्तों, 179 पर पाउंड तुम्हें मिल जाएंगे। अगेन येलो वाइट का चक्कर होता है, तो वाइट टमाटो जो है 319 का, येलो टमाटो जो है 179 पर पाउंड है, रेड टमाटो जो है वो 319 पर पाउंड है। और इसी तरह फिर अगर तुम प्याज की बात करो तो प्याज सारी यहाँ लगी हैं, बड़ी फ्रेश फ्रेश लगी हुई हैं।
और अगर तुम लाल प्याज की बारे में बात करो तो के है 199 पर पाउंड, और अगर तुम डिफरेंट अलग अलग येलो और वाइट प्याज की बात करो तकरीबन अगर मैं तुम्हें दिखा सकूँ 319 और 329 पर पाउंड है। थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू वॉलमार्ट, बट काफ़ी फ्रेश है, नो डाउट अबाउट दैट। इसी तरह गार्लिक की बात करो तो गार्लिक यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है ना। अगर तुम पैक लेना चाहोगे तो इस तरह का 3 का पैक तुम लेके जा सकते हो 89 सेंट्स की। बाकी जो है थोड़ी महंगी है, अराउंड 329 पर पाउंड या 329 पर पैकेट। आई विल नॉट से कि यार इतनी सारी गार्लिक तुम लेके जाओगे ना तो ख़राब हो सकती है, तो बेहतर है कि छोटा सा पैक उठा लो। अब पैकेट की सब्जियों की बात करते हैं तो ये सारी पैकेट में प्याज लगी हैं, तकरीबन 4.5 किलो से लेके 2.5 किलो तक की होती हैं। फॉर एग्जांपल ये 4.5 किलो का पैकेट है, ये $6 का है, ये काफ़ी नॉर्मल पैकेट है जो कि तुम्हें आराम से वॉलमार्ट वाला में मिल जाएगा। और साथ में अगर तुम्हें छोटे पैकेट चाहिए तो तकरीबन 469 का जो है वो 3 पाउंड का पैकेट मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। तो ये भी तुम लेके जा सकते हो अगर तुम वाइट और डिफरेंट और तरह की प्याज लेना चाहते हो तो भी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन मैं मेरी मानो तो तुम ये पैकेट लेके जा सकते हो, काफ़ी अच्छा पैकेट है, $6 का ले रहे हो। और अगर तुम छोटे अगर तुम स्टूडेंट हो सिंगल वा रहा हो तो तुम छोटा पैकेट भी लेके जा सकते हो क्योंकि 469 का तुम्हें पड़ेगा। सिमिलरली भाई गाजरे जो है वो यहाँ पे सेल में है 299 पर पाउंड, फॉर एग्जांपल 299 का एक पैकेट तुम्हें मिल जाएगा। और इस तरह का ये पैकेट है काफ़ी बड़ा, तो तुम लेके जा सकते हो ये सेल में इस वक्त। और यहाँ पे देखो पूरा जो है ना वो आलूओं की खेप लगी हुई है, आलू और प्याज की। तो वही अगेन 4.5 किलो के आलू होंगे जो कि तकरीबन 479 के, ये सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू वॉलमार्ट। वॉलमार्ट में तकरीबन $5 से अबव होते हैं, तो ये जो है 479 में मिल जाएगा। लेकिन हम इसे दड़ी है रेड टमाटो, और अगर तुम येलो वाले लेना चाहते हो तो वो $6 है जो कि कंपेरेटिवली सेम है वॉलमार्ट से। इस सेक्शन में काफ़ी मज़े के जो है फ्रूट्स लगे हुए हैं। और बात करते हैं महंगे तरीन फ्रूट की, जो सबसे महंगे तरीन है फ्रूट कनाडा का, वो है भाई अनार पोमग्रेट, और ये है 249 का, तुम्हें एक अनार मिलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल मेरी बात सही सुनी, एक अनार 249 एंड इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो इसी तरह अवोकाडो की बात करो तो अवोकाडो जो एक पैकेट है वो तकरीबन $4 का तुम्हें मिल जाएगा। ये वाला जो पैकेट है वो सेल में, क्योंकि येलो उसकी पन्नी लगी है ना जैसे मैंने तुम्हें बताया, तो ये तुम्हें सेल में मिल जाएगा। अगर तुम अकेला लोगे सिंगल विंगल ले रहे हो तो वो बहुत महंगा है, वो है 179 का मिलेगा तुम्हें। पपाया जो है 129 पर पाउंड है जो कि सेल में है। इसी तरह भाई मैंगो की बात करो, ये थोड़ा थोड़ा जो है ना मुझे इंडिया पाकिस्तान वाली वाइब आ रही है, लेकिन भाई ये इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, ये है मेक्सिको का, और 125 का एक मिलेगा तुम्हें। और भाई बात करो कीवी की तो कीवी है 99 का एक। तो कोकोनट मेरे इंडियन भाइयों बहनों देख लो भाई, कोकोनट है 399 का एक। ऑरेंजेस की बात करो तो 299 पर पाउंड तुम्हें मिल जाएगा, और ग्रेपफ्रूट है 179 का एक। और इसी तरह पर यहाँ पे लीमू वाला ले हुए हैं, अलग लीमू जो है तकरीबन 3 दे रहे हैं 198 का जो कि सेल में है। और यहाँ पे कुछ और भी ऑरेंजेस तुम्हें लगे हुए हैं तो क्या 399 का तुम्हें पर पाउंड मिल जाएगा। पैकेट के फलों की बात करो तो पैकेट के फल यहाँ लगे हैं, और काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत तुम्हें एप्पल मिल जाएंगे पैकेट्स के अंदर, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से यार मेरा मानो तो सबसे जो कम प्राइस का ना वो उठा लो, क्योंकि मैं नॉर्मली यही करता हूँ, क्योंकि नॉर्मली एप्पल्स जो है वो तकरीबन सेम ही होते हैं, येलो वाइट और ग्रीन से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें रियली फ़र्क पड़ता तुम देख लो। लेकिन नॉर्मली जो पैकेट का यहाँ पे फीचर प्राइस है ना वो तकरीबन तुम ये देख रहे होगे ये $6 का है, तो अगर मैं तुम्हारी जगह हूँ ना तो मैं येलो वाले देख के ना ये उठा लूँगा, क्योंकि भाई एप्पल तो एप्पल ही होता है फिर। खुले में अगर एप्पल लेना चाह रहे हो तो ये सारे खुले में लगे हैं, वही बात है कि येलो रेड वाइट ग्रीन जो भी तुम लेना चाहते हो तुम ले सकते हो। और 249 से लेकर 229 पर पाउंड ऑलमोस्ट ये एवरेज प्राइस है इनकी, तो बड़े मज़े के यहाँ पे लगे हुए हैं, तो मैं दिखा रहा हूँ मैं। ये सेक्शन जो है वो बनाना का सेक्शन है, इसमें तुम्हें जो है वो बनाना मिल जाएंगे नॉर्मली, और काफ़ी जो है वो कम प्राइस में, फॉर एग्जांपल ये तुम देख रहे हो 59 सेंट्स पर पाउंड है। ये इसका भाई ये प्रो टिप देता चलूँ कि इसमें तुम ये कर सकते हो, ये तुम ले जाओ और फ्रिज व्रिज में रख दो या तो बाहर रख दो, थोड़े दिन में ये तैयार हो जाएंगे, तुम खा सकते हो। और अगर तुम बने बनाए लेना चाहते हो इंडिया पाकिस्तान वाले तो थोड़े महंगे मिलेंगे दोस्तों, वो मिलेंगे $1.09 के पर पाउंड, ये वाले जो बड़े वाले होते हैं। ये रियल कैनेडियन वाले ना ये ऑर्गेनिक फ्रूट्स भी बेचते हैं और वेजिटेबल्स भी बेचते हैं, तो वॉच आउट फॉर दिस ऑर्गेनिक टैग, क्योंकि इस ऑर्गेनिक टैग तुम्हें बता रहा है कि भाई ये वाला जो आइटम है ये ऑर्गेनिक है, मतलब स्ट्रेट फ्रॉम द फार्म्स आ रहा है। यहाँ लगे भाई तुम्हारे वाटरमेलन, वाटरमेलन है मिनी 599 का तुम्हें एक वाटरमेलन मिलेगा। यस इट इज़ एक्सपेंसिव माय फ्रेंड। और अगर तुम बड़ा वाला वाटरमेलन लेना चाहते हो जो पाकिस्तान वाला है या इंडिया वाला, वो $10 का तुम्हें मिलेगा ये वाला। हाँ जी बहुत ही महंगा है, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी समझ लो 1500 का होगा ये। काफ़ी महंगा है दोस्तों, बल्कि 1500 का भी नहीं, अब तो 2000 का भी है। इंडियन तुम जो है वो समझ लो अराउंड 800 का होगा शायद। खरबूजा दोस्तों सेल में 599 का तुम्हें एक मिल जाएगा, इस तरह का खरबूजा काफ़ी अच्छे अच्छे लगे हुए हैं यहाँ पे। वहाँ भाई इनके पास तो इंटरनेशनल फूड सेक्शन भी है लाइक वॉलमार्ट और नोफ्रल, तो अंदर चलते देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है इंडियन और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। ज़बरदस्त भाई तुम्हें मिल जाएंगे शान के मसाले यहाँ पे, तकरीबन 229 के पर पैकेट मिल जाएगा। और भाई MDH के मसाले भी, MDH के अंकल भी मिल जाएंगे भाई तुम्हें 329 पर पैकेट है। साथ में बात करो भाई खुले मसाले जो होते हैं ना ये भी तुम्हें मिल जाएंगे, गर्म मसाला वगैरह ना और क्लोव और इस तरह की सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो ब्रांड ये बेच रहे हैं दोस्तों की सूरज ब्रांड है, ये स्पेसिफिक यहीं का है, मैंने अभी तक वॉलमार्ट वाला में देखा नहीं है, लेकिन कहने की बात है कि थोड़े से जो है वो तुम्हें अराउंड 279 $3 $5 $6 के दरमियान डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी तुम्हें जो है वो मिल जाएंगे। वॉल वीट का तुम्हें आटा यहाँ पे रखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली चक्की का आटा नहीं है दोस्तों,
लेकिन बेसन वगैरह रखे हुए हैं ना यहाँ पे, तो तुम लेके जा सकते हो। और ये गोल्डन टेम्पल जो है वो कैनेडियन ब्रांड है, तो वह मिल जाएगा। और अगर तुम होल वीट का आटा देखना चाहते हो तो ये तकरीबन आटा 9 किलो का आटा $20 का तुम्हें मिल जाएगा। इस सेक्शन में दोस्तों तुम्हें दालें मिल जाएंगी, ठीक है ना। और दालों का जो हिसाब किताब है वो सारा यहाँ लगा हुआ है। और मुख्तलिफ दालें हैं, इनकी जो प्राइस है तकरीबन 349 से 549 के दरमियान है। और वही बात है कि रेड लेंटल्स, येलो लेंटल्स, मसूर की दाल, वो सब तुम्हें मिल जाएगा। वॉच आउट फॉर दिस येलो टैग, ठीक है ना। येलो टैग जो है तुम्हें सेल का आइटम होगा। अच्छा भाई, ये है राइस का सेक्शन। और राइस के सेक्शन में तुम्हें बासमती राइस यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है, लाइक टिल्डा का ब्रांड अच्छा है, क्वालिटी का भी मैंने ट्राई किया हुआ अच्छा है, और ये रॉयल बासमती चार राइस भी हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स है, तुम ट्राई कर सकते हो। दावत का ब्रांड भी, ये भी इंडियन राइस हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। हाँ भाई, ये तो था थोड़ा सा ओवरव्यू रियल कैनेडियन सुपर स्टोर का, जो कि बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। मोस्ट ऑली पार्ट टू भी जरूर बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन है अदर देन ग्रॉसरी भी, तो वो भी तुम्हें दिखाना है, ठीक है ना। लेकिन वो पार्ट टू में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मेरी हौसला अफजाई भी होती रहेगी, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो। गुड बाय।